भाई मेहमान और बढ़ते जा रहे हैं तो फटाफट से केक काटते हैं ताकि सबको भूख लगी होगी। निकाल अरे क्या बना उसके ऊपर, चीज जेरी और टॉम। यार हमने साल के एंड से पहले पहले करने हैं भाई अपने 3 मिलियन, तो आप लोगों को साथ चाहिए भाईजान। आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जल्दी जल्दी यार, जल्दी जल्दी ठोको। कहाँ गए जेरी गैंग? व्लॉग स्टार्ट करते हैं फिर। अब अस्सलाम वालेकुम, सुबह हो चुकी है मेरी मॉर्निंग और मैंने उठते साथ देखा यार घर में कोई है तो नहीं, तो घर में सभा तो नहीं थी लेकिन बाकी जो सब है ना, सभा गई है भाई पॉलर, क्योंकि आज है भाई बिगेस्ट इवेंट फासिल का, क्योंकि हम कभी नहीं कर पाए और हमने आज किया, क्योंकि सवा महीने भी हो गया तो हमने बोला था कि भाई बड़ी दावत करेंगे आज, तो आज सारे आएंगे मेहमान और घर में सब खुश हैं क्योंकि इवेंट बहुत टाइम होने वाला है, कहीं बाहर हम सारे एक साथ जाएंगे, तो बहुत ही खुश है यार, बहुत ही खुश है। और सभा नीचे तो मैंने सारा बैग खाली कर दिया, सबके गिफ्ट निकाल दिए। ये सभा का हो गया, ये बेबी के लिए मैंने लिए थे, ये मेरा परफ्यूम हो गया फरारी का, ये बाजी का हो गया, ये फरिया का हो गया, ये बासिल का एक्सपेंसिव गिफ्ट आज मैं बासिल को दूंगा। अच्छा मैंने साइज जो है ना ये 3 या 4 मंथ का लिया है, लेकिन बासिल जो है अभी वो 1 मंथ का है, तो उसको तो नहीं आएगा ना, उसकी मॉम को पता है कि भाई ये वो पहन पाएगा नहीं पहन पाएगा। सभा को लग रहा है के वो पहन पाएगा क्योंकि सभा ने व्लॉग देख लिया था, तो आज ये गिफ्ट खुलेगा तो पता लगेगा भाई सब बासिल को नहीं आ रहा, तो फिर बासिल ने कुछ और पहनना पड़ेगा। तो बासिल का गिफ्ट हम यहाँ रख देते, फरिया और बाजी दोनों को गिफ्ट देने चलते हैं। फरिया 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 गिफ्ट के साथ, मॉर्निंग गिफ्ट के साथ। हाँ भाई गिफ्ट ये आपका है और ये जो है ये बाजी का है। थैंक यू सो मच। तूने मुझे मैसेज नहीं किया क्या यार? यार आपको बहुत कॉल किया, तुमने उठाई भी नहीं। अबे कब कॉल की तूने मुझे, एक भी कॉल नहीं आई तेरी मुझे, झूठ बोले कौवा काट। गिफ्ट के लिए कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, दावत के लिए रेडी शेडी हो? बिल्कुल रेडी होना है मुझे। सभा के लिए भी गिफ्ट है, ये बेबी के? हाँ ये वाले सारे बेबी के, गुड्डू लाल के गिफ्ट। एक गिफ्ट और भी था, याद आ गया। घर में हमेशा इतना सफाई हो रही है भाई, मॉम से भी तो मिलेंगे। कैसी हैं मॉम? ठीक ठाक हैं। मुझे याद किया था आपने? तुम्हारे बेटे को संभाल दी थी, मौका ही नहीं मिला। चलो कोई मसला नहीं, आपने उसको संभाल लिया, समझा आपने, मुझे ही याद किया। मम्मा मेरे लिए बना रही हैं चाय है नाश्ते में और बकरखानी, और आज सरप्राइज है आप सबके लिए, आज हम बासिल को रिवील करने वाले हैं। लाइक उसका फेस 1.5 महीना हो गया है और सबने मुझे बोल बोल के परेशान कर दिया कि भाई बासिल दिखा दो, बासिल दिखा दो, हम आपकी फैमिली नहीं है, क्यों हमसे छुपा रहे हो, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता है। फिर मैंने सोचा 1 महीने पहले से ही, जब मैंने उसको छुपाया था, मैंने बोला था कि इसको 1.5 महीने बाद दिखाऊंगा सबको, सब मेरी फैमिली है तो वो भी देख लेंगे, वो खुशी होंगे देखकर इंशाल्लाह। उम्मीद तो यही है। और इस वक्त टाइम पौने 4 हो रहे हैं। दो शख्स उठो, ओ नेस्ती पोस्ती, ओ नेस्ती, ओए खत्म तेरी, अबे तेरी, अबे तेरी, अबे भाई इसको तो गुस्सा आ गया। ओ भाई, ओ भाई, अब ये भी, अबे तुम लोग ये तो बताओ तुम लोग घर में कर क्या रहे थे, लड़ रहे थे क्या कर रहे थे? सिर्फ लड़ लेते क्या? जब ही तुम पे आओ कैमरा लेके तुम लोग लड़ रहे होते हो। लो ये तो लाते चला रहा है, मछली बन गया, ये पीछे से पाँव चला रहा है, ये देख। क्या हुआ? ये तो लड़ रहे हैं यहाँ पर, ये तो घर में भी लड़ रहे थे पहले, क्या जब मैं नहीं था। ओ भाई क्या हो गया? बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? हाँ ना, फटाफट रेडी रेडी नहीं होगा, दावत में नहीं जाना क्या? अबे अभी नहीं जाना, अभी 4 बज रहे हैं, हमें जाना है 8 बजे। तुझे खुशी हो रही है आज बेबी की दावत है? अबे मैं अभी इसको मस्जिद लेके गया, मस्जिद से होकर आ गया है ये। चलो गुड। क्या हुआ, रो रही है बेबी? तो भाई बड़ा रो रहा है भाई आज, इसको पता चल गया इसका फेस भी रोने वाला है आज। इसकी वजह से सेंसेस बड़ी तेज है यार, इसको जब पता लग जाता है कोई कहीं जा रहा होता है या कुछ हो रहा होता है घर में ना, तो ये रोना शुरू करता है। मतलब ये हाँ तो नहीं कर सकता, ये रो के बताता है हाँ मुझे पता है। ओ तो ठीक ठाक हो तुम लोग, मजे में हो? मिस कर रहे थे मुझे, तुम्हारे पास नहीं आ रहा था ना मैं, अब आ गया हूँ मैं, अब खामोश रहो प्लीज। हाँ तुम लोग मेरी आवाज़ पहचान दो, मुझे पता है तुम लोग भी बोलते हो कि 24 घंटे व्लॉग बनाता है इसलिए तुम लोग मुझे पहचानते हो। अबे क्या क्या खा रहे हैं ये लोग? भुट्टा खा रहे हैं भाई, भुट्टा। ओए उन्होंने तो भुट्टा पूरा छोड़ दिया अपना, ये लोग पूरा खा गए। ओए भाई इसने भी छोड़ दिया, हाउ इज इट पॉसिबल यार, तोते तो सारे एक ही हैं। दुबई में तो बड़ी ही ठंड थी भाई दिन में और रात में, यहाँ पर कैसा मौसम है? यहाँ पर नॉर्मल है, नॉर्मल। तो आ चुका है मेरा नाश्ता और टमाटर मेंडस खा रहा है भाई खाना। मेरी आज की आउटफिट ये है, ब्लैक शर्ट ब्लैक ट्राउजर। गिफ्ट तो बता दे, कौन सा? अभी नहीं खोलना, अभी नहीं खोल, नहीं ना वहाँ पर दूंगा, सही है ना? हाँ वहाँ पर दूंगा, तो तुम्हें दिखा दूँ, आपसे पैक कर दूँ क्या मतलब? बेबी तो छुपाऊँ मैं, मगर मम्मा खोल रही है इसकी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, मम्मा का थोड़ी उसके सामने ही खोलेंगे ना, अभी वो सो रहा है, जब वो उड़ जाएगा जब। उसको क्या पता कौन सा गिफ्ट है कौन सा नहीं है, उसको सब पता है, उसके सेंसेस बहुत तेज है। चारी कब पकड़नी है भाई? चारी पकड़ना है
भी बहुत टाइम बाद। आपने कब तैयारी पकड़नी है मॉम? मैं 6 बजे। क्यों? बहुत लंबा टाइम है अभी, रात का टाइम बहुत लंबा होता है। इवेंट कितने बजे? 8:30 बजे पहुँचने हम लोगों ने। अच्छा, मतलब इतना लेट इवेंट स्टार्ट हो रहा है। इवेंट की जो प्लानिंग थी ना, वो भैया कर रहा था जब मैं दुबई गया हुआ था, तो भैया ने ही रखा है इवेंट 9 बजे का, रात के 9 बजे जाने। तो मतलब जो दिन है ना, ये हमारा घर घर में गुजर रहा है। शाम में इवेंट होता तो हम शाम में जाते बाहर। भैया ने बहुत गलत किया हमारे। नहीं सही किया, रात को भी सही होता, तो क्योंकि मेहमान वगैरह ना शाम को नहीं आ सकते, उनके भी तो काम होते होंगे। ये भी बस सही। तो वहाँ मेहमान भी बहुत सारे आने वाले। पूरा कमरा फैला हुआ भाई। अभी तक बेबी की मॉम भी तैयार नहीं हुई, बेबी भी तैयार नहीं हुआ, लेकिन पापा जो इसके वो तैयार हो गए। आप लोग सब कब तैयार हो रहे हैं? अच्छा तो हो, आप हो गए रेडी? मैं भी होंगी। फरिया तुम? मैं भी हो रही हूँ। सबसे पहले मैं रेडी तो नहीं हो गया घर में? अब 7:30 हो गए, थोड़ा थोड़ा रेडी रेडी लग रहे हैं भाई लोग। गुड। मैं 1 घंटे से भाई सबका वेट कर रहा हूँ कि कब सब रेडी होंगे। अबे तूने गिफ्ट कहाँ से ले लिया? थैंक यू तो बोल दे। वाओ, मॉम भी तैयार हो गई भाई बासिल की। अब बारी है बासिल के तैयार होने की। आहा, बासिल को गिफ्ट अभी खोले या वहाँ पर ही? वहाँ पर खोलेंगे। यहाँ पर नहीं खोले? कपड़े चेक कर लो, क्या पता पसंद आ जाए, आप उसको वही पहना दो अभी। नहीं, वो साइज बहुत बड़ा है। हाँ नहीं पहना अभी? मैं कैसे पता साइज बड़ा है? तुम्हें कैसे पता ये बात? कैसे पता लगी पहले ये बताओ। मिलते छोटी सी ब्रेक के बाद बासिल को चेंज करवाना। इसको कैसे पता लगी ये साइज बड़ा है? 1 मिनट के खोल तो नहीं लिया? अरे नहीं, मैं क्यों खोलूंगी। नहीं नहीं यार, ये तो बंद है, तो फिर इसको कैसे पता लगा ये बड़ा है? कैसे पता लगा? आप आए थे ना, आपको पता है मैं रात में जागी होती हूं। हाँ हाँ, जब आप आए थे मैंने आपके पूरे ब्लॉग देख लिए थे। यार ये यही करती है, जब भी मैं ब्लॉग बनाता हूँ ना, इसको जब नहीं पता होता मैंने बाहर क्या किया क्या नहीं किया, तो ये मेरे क्लिप में जाती है पुरानी और सारे क्लिप्स देख ली थी कि भाई क्या क्या हुआ ब्लॉग में। पहले ही देख लीजिए, सबसे पहले मेरा ब्लॉग यही देखती है और एडिट के बगैर। चलो तो पर गिफ्ट जो है वो बेबी को हम वही देंगे। मेरा गुड्डा पहन रहा है भाई आज ये और ये और ये। जैसे रेडी होता है ये, फिर मिलते हैं इससे। मुबारक हो। खैर मुबारक। हाँ मुबारक हो भाई। किस चीज की? चलो बाय बाय। अरे माशाल्लाह भाई, चलो बाय 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 बाय। अरे पापा साथ जा रहे हो? हम लोग आते हैं, वो बेबी बहुत तंग कर रहा है भाई। सही 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 सही। मेरे साथ कौन कौन होगा? तुम, भाभी, सभा में और बेबी। सही है, गेस्ट आए, गेस्ट का ख्याल रखना सही है, आराम से बिठाना। बस ठीक है ठीक है। फिर बेबी को क्या हो गया? क्या हो गया बेबी? हो गया भाई चुप। हेलो लेट्स गो। गिफ्ट जो है वो अपने साथ ही लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम गिफ्ट देंगे वहाँ पर। आराम से आराम से। मेरी गाड़ी मेरी और वो खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम ताज डॉन, कैसे हो? ठीक ठाक हो भाई? चल रहे हो दावत में? कौन सी मिठाई? ओ भाई ताज बेटे की शादी। ओ भाई भाई, ओ भाई ताज की बेटे की शादी। मैंने पहली बार देखता हूँ। माशाल्लाह कैसे बेटा? ताज ने भाई बेबी को उठाया हुआ। चला चला चल। वो बैठे एटीट्यूड बॉय, केक लेने गए भाई। जनाब तो केक आ चुका है, तो अब चलते हैं भाई डायरेक्ट दावत में। तो देखते हैं भाई कौन कौन मेहमान आ गए। हमने तो भाई 8:30 का हमको टाइम दिया था, वैसे हमारी दावत शुरू होनी थी 9 बजे और हम फिक्स 9 बजे पहुंचेंगे, क्योंकि हम पता है ना यार कराची वालों का क्या होता है, पता है दावत 2:09 की ना, तो सब 10 को आते हैं, तो हमने आधे घंटे पहले दे दी ताकि लोग 9:30 तक तो पहुंचे। रो तो नहीं रही है? नहीं नहीं सही है बिल्कुल। केक 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 भाई साहब, केक बहुत संभाल के लेके जाना पड़ेगा, गिर ना जाए भाई। बहुत भारी है, कासे तो उठेगा ही नहीं। गिफ्ट तो मैं ही ले जाता हूँ, केक इधर रख दे, भैया ले आएगा भाई। बहुत भारी है, कासे नहीं उठेगा। आजा आजा आजा। ठीक ठाक ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे ऊपर ठीक ठाक भाई? नीचे तो काफी रश है यार, और हमारा इवेंट हो रहा है भाई ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब? ठीक है। कैसे हो भाई? ठीक ठाक हो? कैसे हो भाई? ठीक ठाक हो? हमारी भी तो बर्थडे, हम बहुत आए तुम्हारी बर्थडे में, आज तुम हमारे मुन्ने की बर्थडे में आए हो। इसकी बर्थडे में कितना गए ना हम लोग? तो बहुत गए। कैसे हो भाई? ठीक ठाक हो? ओ भाई आ गया गिफ्ट, आ गया भाई, आ गया आ गया, केक आ गया भाई। दूसरी बच्चे के लिए सभा भी आ गई है, परी रात हो चुकी है। हाँ मैं तो बोलूँ मेहमान ना आते रहेंगे, हम चलते हैं खाने लेने, मुझे बहुत भूख लग रही है। बस चलो। अरे पहले केक कट करेंगे, उसके बाद मेहमानों को खाने दो। देखो ये सिर्फ बूफे है, ठीक है। हाँ। कोई अंदर आया, कोई मेहमान आया, उसका दिल करा उसने खाने, पहले खाना खाना वो खा सकता है। हाँ। कोई मना नहीं है इसमें, तो हम नहीं खाए क्योंकि इसमें देगे थोड़ी खुलनी है। अरे वाह भाई वाह, फूल वूल मिल रहे हैं भाई, क्या हुआ मजा आ रहा है? बेबी देखा आपने हमारा, भूख लगी है। मेहमान जो है भाई आते जा रहे हैं, क्या हुआ? बलून देख के शायद इसको ना मजा आ रहा है। अरे भाई दादी के पास आ गए हम, दादी हमें मिली है भाई। दादी हमें पहले नहीं दिख रही थी, लेकिन जब देखा दादी को तो दादी माशाल्लाह खाना खा रही है अभी। दादी भी तो बहुत टाइम है दादी। नहीं मेरा टाइम है। आपका टाइम 8 बजे शुरू हो जाता है खाने का? मेरा खाने का टाइम है
उसके बाद दुनिया की नियामत काम हो जाएगी। हाँ वाह वाह वाह, मतलब दादी ने टाइम अपना फिक्स रखा भाई, दोपहर का अलग रात का अलग। सारा चाइनीज लिया है दादी ने, रोटी लिए, कबाब और कढ़ाई। बच्चे भी खा रहे हैं छोटे छोटे भाई, क्या खाया जा रहा है ये? फ्राइज खाया जा रहे हैं, फ्राइज में भी खा लूं भाई, खा लूं ये भी खा लूं। अरे हाँ तो हुई हुई हुई, ये मेरा है उससे लिया भाई, मैं भी पिक्चर हो रही है भाई। बहुत टाइम बाद हम लोग पिक्चर्स ले रहे हैं, हम ब्लॉग ही बना रहे होते हैं, दोनों ने दिखेंगे भाई। कैसी पिक्चर आ रही है, पिक्चर दिखा दो यार। अरे वाह भाई वाह भाई वाह भाई, मेहमान और बढ़ते जा रहे हैं तो फटाफट से केक काटते हैं ताकि सबको भूख लगी होगी। अरे क्या बना उसके ऊपर, चीज जेरी और टॉम, मतलब जेरी कौन हुआ फिर यार, जेरी तो मैं था। जेरी होते ना वो भागता रहता है। हाँ तो बासिल वैसे भी आपको नचाएगा, तो इसलिए अब ये जेरी और आप टॉम भाई, अब मैं टॉम हो गया, ये जेरी हो गया। आ रहा नहीं, रखो रखो रखो, इसको डाले गिर ना जाए कहीं केक। चलो अब रखो रखो रखो, ये तो टूटा हुआ भाई नीचे से, रखो छोड़ा, अच्छा गिर तो नहीं रहा, देख कर काटना पे कहीं नीचे ना आ जाए पूरा। बस ठीक है, नाजुक नाजुक। गिफ्ट गिफ्ट, हाँ भाई गिफ्ट भी आ रहे हैं, आवाज देना तो गिफ्ट भी तो आएंगे ना यार। केक कट करना, भैया कहाँ गया? भैया भी आ रहा है घर से बस। घर क्यों? मोबाइल रह गया था ना सभा का। पापा के दोस्तों की भाई आमद और आधे साथ ही खाना शुरू, दोस्त आए नहीं आधे साथ खाना। अबे तू भी खाना खा रहा है, पहले केक खाना, तूने तो रसम तोड़ दी हमारी है। थोड़ा अबे तुझे बड़ी भूख लगी, भैया का तो आने से पहले वो गया काम से, उसको तो भेज दिया हमने, वो तो भूख से मर रहा था बेचारा। पापा बंदे बहुत ज्यादा हो गए, टेबल लग रही है, टेबल इधर 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 लगेगी। एक और गिफ्ट है, अरे भाई 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 दोस्तों की तरफ से भी गिफ्ट भाई, यार मेरी मॉम को देना पड़ेगा आपको, मेरी मॉम कलेक्ट कर रही है गिफ्ट को। हा 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 हा, ये लो चम्मच से केक काटो। नॉर्मली काटना पड़ेगा, हैप्पी बर्थडे बर्थडे तो नहीं बोल सकते। तो भाई फाइनली भाई बासिल की बड़ी दावत हो चुकी है और केक भी कट हो गया है और अब हम खाने पे जाएंगे भाई, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार हो रहा है ना। हाँ तुम्हें नहीं होना कहीं सबको, ये क्या है, ये खुलेगी कैसे? ओ वाह माशाल्लाह, किसने दिए? मम्मा ने। अरे वाह, हाँ एक काम करो ये आप पहन लो। ओके जी, तो भाई बूफे की तरफ आ चुके हैं, हमारे सारे लोग भी हैं और जो दूसरे लोग भी आए हुए होते हैं तो वो सारे हैं, मतलब मिक्स है मिक्स, तो कितना ज्यादा रश हो चुका है। फटाफट से हम पकड़ते हैं प्लेट, पहले प्लेट प्लेट क्या लिया जा रहा है, मतलब जो जो पापा ले रहे हैं वो भी हम ले लेते हैं। हाँ क्या कहते हो, तुम क्या ले रहे हो? सोच रहा हूँ यार लूँ क्या। अबे टमाटर क्या निकाल लिया, अबे मेरा भी निकाल ले, बिरयानी निकाल ली, पुलाव निकालो। अबे ये प्लेट पकड़, ये मुझे दे दे, मैं जा रहा हूँ। अबे प्लीज यार, अबे रुक ना, अबे रुक यार, अबे रुक जा, अबे अब पता है क्या, अब एक हाथ से मुझे ब्लॉग रखना पड़ेगा, पहले खाना निकालना पड़ेगा, उसके बाद बताऊंगा क्या निकाला। ये प्लेट तू ले ले, अपनी दे दे। अबे थैंक यू, बस ये अच्छी बात हुई। प्राउन से बिरयानी और पुलाव, अरे यहाँ पर क्या है, अरे यहाँ पर तो पान है भाई, अरे अभी नहीं उठाई हो भाई, चल चल। अबे अबे बाद में खाइयो, अबे मुझे तो बड़े अच्छी प्लेट बना के दिए यार, अपने लिए तो बेकार। ये अभी पहली है, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, फिर चौथी होगी। अबे बेबी दादी के पास, ये तो सोचते हैं दादी के साथ ही भाई अनबॉक्स कर देते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खोले खोलो तो खोलो तो खोलो तो जल्दी खोलो यार। एक शॉर्ट और एक इसकी जैकेट, वो देख ही नहीं रहा। क्या हुआ, क्या हो गया, सही तो गिफ्ट है ये, ऐसी इसके स्टाइल है, फटा हुआ नहीं है, तुम बोलो फटा हुआ है। दादी अभी ये बोलती फटा हुआ है गिफ्ट, इतना महंगे गिफ्ट फटा हुआ मंगाते, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये जो है ना, ये इसका स्टाइल है भाई, ये स्टाइल है इसका। और से खाना खाते हैं भाई और इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट भाई इसके बाद ही शुरू हो रहा है, जिसमें हम बेबी का थोड़ा फेस रिवील करेंगे। वैसे तो इस व्लॉग में थोड़ा थोड़ा बेबी दिख रहा था, ठीक है, लेकिन वो मैंने बोला चलो यार वैसे भी रिवील होने वाला है तो इस व्लॉग में दिख जाए तो कोई मसला नहीं है। तो लेकिन नेक्स्ट पार्ट में प्रॉपरली अच्छे से मेरा प्यारा सा बेबी आप सबके सामने आएगा। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, इतना आप लोगों ने बोला और मैंने आपको इतना रोक रोक के बेबी को दिखाया, उसके लिए सॉरी, लेकिन क्या करें भाई, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता जब तक मैं नहीं दिखा सकता था, तो अभी फिलहाल ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि बस उसको रिवील करते हैं। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बाकी इसके चार पाँच प्लेटें मैं दिखाऊँगा नेक्स्ट व्लॉग में।